प्रभारी कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख पहुंचे पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के 2024 के बजट को लेकर की प्रेस वार्ता। कृषि मंत्री जी ने कहा, अखिलेश यादव कुछ भी बोल सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। जिस पाठक जी हैं लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं और चर्चाएं ये भी हैं कि योगी जी को हटाया जा सकता है, क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, आज बजट की प्रेस है और आपका जो सवाल है ये शीर्ष नेतृत्व के बारे में पूछे हैं। पार्टी हमारी बहुत बड़ी पार्टी है और ये मीडिया अपने आप से चला रहा है, कोई ऐसा नहीं है। सब पार्टी एक जुट और एक मिल के मंत्री अभी यूपी भवन में ठहरे हुए थे, ब्रजेश पाठक भी थे, केशव प्रसाद मौर्य भी थे और सीएम भी वहीं पर थे, लेकिन आपस में मुलाकात नहीं हुई, ना बात हुई, तमाम कार्यक्रमों में भी नहीं पहुंच रहे हैं। जैसा कि अभी नंदी जी के यहाँ घर पर एक कार्यक्रम था, वहाँ भी मतलब सीएम साहब भी पहुंचे और डिप्टी सीएम भी पहुंचे, लेकिन एक टाइम पर नहीं पहुंचे। ये तो अपने अपने व्यवस्था का कारण हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का किस समय बना होगा, माननीय केशव जी का कहीं और कार्यक्रम होगा, वो कार्यक्रम करके गए होंगे। अब आप प्रयागराज गए हैं तो सब अपने अपने वहाँ पे कार्यक्रम भी अपने विभाग की तरफ से करते हैं, तो ये कोई वो नहीं है कि भाई एक साथ क्यों नहीं गए। लेकिन शादियों में तो ये होता ही है कि कोई भी है तो कोई पिन पॉइंट एक टाइम दिया होता है, फिर भी ये मीटिंग है, वो तो एक अलग बात है। बाकी शादी में तो अपने अपने समय के अनुसार, अपने अपने सुविधा के अनुसार आदमी जाता है। अखिलेश यादव ने एक तंज कसा है, तंज कसते हुए कहा है कि यूपी और दिल्ली की सरकार के बीच में एक इंजन दौड़ रहा है, केशव प्रसाद मौर्य के लिए कहा है, क्या कहना है? यूपी और दिल्ली की सरकार के बीच में एक इंजन दौड़ रहा है, केशव जी बार बार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, उस पर तंज कसा है, तो क्या है ये मामला कुछ पता नहीं? अखिलेश जी कुछ भी कह सकते हैं, अखिलेश जी का कोई मिशन नहीं है, कोई उनका टारगेट है, वो कहेंगे क्या? उनके पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई चीज है। मैंने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुद्दे में उनके नेतृत्व किस तरह से सरकार आप देख रहे हैं, प्रशासन देख रहे हैं, सुरक्षा देख रहे हैं, आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, किसान सबके उनको चिंता रहती है, सबके अपना लगातार बगैर थके बगैर किसी उससे छुट्टी के पूरे समय सरकार का काम कर रहे हैं। तो अखिलेश जी के पास से खाली नहीं, तो अगर ये भी बात नहीं कहेंगे तो क्या करेंगे? सर, आप कृषि मंत्री हैं, अभी तक MSP का निर्धारित नहीं की गई किसी भी फसल की? नहीं, ऐसा नहीं है जी सर, हर फसल की MSP निर्धारित है। और आपको मैं ये बता दूं कि फसलों के जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे जो MSP है वो केंद्र सरकार से घोषणा होती है, तो जो भी हर प्रदेश की रिपोर्ट जाती है जा चुकी है और जो भी फसल आएगी उसकी उचित MSP के दाम किसानों को मिलेंगे। अभी आपने देखा धान खरीद हुई, गेहूं खरीद हुई, पूरे किसानों को लाभ मिलने का काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरकार पूरी तरह किसान आवारा पशुओं से बहुत परेशान है, किसान आवारा पशुओं से बहुत परेशान है, उसका कोई नहीं करा जा रहा है, उनकी व्यवस्था सरकार कर रही है। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।